लॉकडाउन 3 को लेकर राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उसके बावजूद भी लोसल कस्बे में इसकी पालना लोग कड़ाई से नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद लोसल नगर पालिका प्रशासन ने बिना मास्क पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों के चालान काटे। वहीं कई लोग अधिकारियों को देखकर भाग निकले। पालिका ईओ सहदेव दानचारण ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कस्बे में जो भी बिना मास्क पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उस व्यक्ति का चालान भी काटा जाएगा। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक बिना मास्क घूमना अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों पर भी यह नियम लागू है। बिना मास्क के दुकानदार अपना सामान नहीं बेच सकता है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चालान दस्ते में AN सहदेव सबलानिया, रमजान खां, राकेश, मनोज गढ़वाल, सफाई शाखा प्रमुख रामगोपाल वाल्मीकि सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद थे।